वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं श्वेता वेलकम कर रही हूँ गाइज। कैसे हो आप सब? आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं शुरू सुबह से कुछ ज्यादा वीडियो ही नहीं शूट कर पाई। स्कूल गई मानवी को छोड़ने, तब मेहंदी का पेड़ देखी रास्ते में, इधर वाली तो सूख गई मेरे मोहल्ला वाली, तो वहाँ से मैं डाड़ उड़ सही तैसे नोच के भाग के चली आई हूँ। अब इसको मैं पत्ता से अलग अलग करूंगी, फिर लगाऊंगी अपने सर में। नहीं, शान भी यहाँ नीचे बैठ गई है, देख लीजिए इसको। ये दूध उध लाइए, सब यहीं पर फेंक के मैं मेहंदी में लग गई हूँ। आप लोगों ने देखा हमारा बुढ़ापा आ गया है, देखिए हमारी बाल व्हाइट हो रही है। और वो जब मैं कलर मेट वगैरह यूज करने लगी ना, तब से और कुछ ज़्यादा ही हमारी बाल सफ़ेद होने लगी थी। तब मैं नेचुरल मेहंदी अगर मिल जाती है पत्ते वाली, तो उसी को चाहती हूँ जो मैं यूज करूँ। यूट्यूब पे बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियो बना के डाली हूँ और इंस्टाग्राम पे भी डाली हूँ। और अभी इंस्टाग्राम पे लाइव बहुत बातें की, काफ़ी अच्छा लगता है गाइज, बहुत ही अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे बात करना। तो मैं क्या बातें की हूँ थोड़ा सा आप लोग के लिए क्लिप यहाँ पे मैं डालूंगी, आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा से ये तीन मैं भी जानती हूँ। नहीं, संडे को तो हम तो छुट्टी में रहते हैं, संडे को जब मन तब खाओ और ना हो, लेकिन सैटरडे को संडे को बिना नहाए सिंदूर बिना लगाए। देखिए गाइस, इंस्टाग्राम पे बात की, नए नए फ्रेंड्स हैं, वो तो ग्रुप वही रख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? थैंक यू। ओके, आई लेट आउट है। वेट, ये भी बिहार से ही है। अभी बैंगलोर में काफी बातें हुई थी, काफी अच्छा लग रहा था। गाइस, मैं एक वीडियो बनाई आज किचन में जाकर बेलना हाथ में, लेकिन सांभी बेलना क्या कर दी हमको समझ में नहीं आता। क्या की सांभी? अब रोटी बनाना है। मानवी स्कूल से ही मेरा गैस जल रहा है। अरे, क्या, क्या है? देखिएगा जी, यहाँ पर देखिए बेलन बैग में पैक हो चुका है। ऐसे किसके किसके बच्चे करते हैं, बैग निकाल के लाओ जल्दी से, गैस जल रही है। बेलन बैग में पैक होता है। एक बेटी हमारी बेलना बैग पे पैक करती है, और एक का हरकत देखिए, एक यहाँ इस ये एग्जाम देने वाले पेपर इसको तोड़ दी, देख लीजिए ये दो खुंडी। ऐसे किसके किसके बच्चे करते हैं देख लीजिए, बताइएगा कॉमेंट्स करके। थोड़े देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे घर में, दिखाती हूँ सही से। अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है। एग्जाम देने ले जा रही थी, इसको तोड़ के ले आई है, और एक बैग में बेलन पैक कर दी है। तो देखो गाइज, अभी मैं किचन में हूँ। मानवी स्कूल से आई, उसको नाश्ता बना के दे दी, उसके बाद मैं भी बना रही हूँ। पति देव ने आज फरमाइश किया था वो खीर खाएंगे। तो ऐसे फ्राइडे का उनको नॉनवेज चाहिए, लेकिन आज संक्रांति है तो नॉनवेज बनेगा नहीं संक्रांति को, तो इसीलिए बन रहा है आज खीर। तो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो पतिदेव कल रात में बोले थे खीर कचौड़ी या पूड़ी और पनीर, बोले चलो ठीक है बनाऊंगी, तो आज वही सब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, पतिदेव की इच्छा पूरी कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो गाइस, हमारी खीर बन के हो गई है रेडी, देख सकते हो। ड्राई फ्रूट्स सब डाल दी हूँ मैं इसमें, ठीक है फिर दिखाते हैं बाद में। तो गाइज देखो, शाम हो गई है, महोत्सव यहाँ पर स्टार्ट है, हमारे छत से दिख रहे हैं। अभी मैं दिखाने के लिए बड़ी, इधर का लाइट कट गया, देखिए क्या क्या सब हो रहा है इसमें, काफ़ी प्यारा नज़ारा लग रहा है। नहीं गाइज, सच सच बताइएगा कैसे वीडियो आ। गाइज अभी फिर से मैं किचन में आई हूँ, अभी मैं बनाऊंगी खीर उड़ बना ली हूँ। अभी देव आ गए थे ड्यूटी से, नाश्ता भी हो गया, उस दिन मैं कचरी बनाई थी, अभी तक बचा है मेरा। तो प्रतिदेव बोले पनीर बनाने, तो अभी मैं जा रही हूँ पनीर बनाने के लिए, जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा हो जाती है ना, तो पनीर और कचौड़ी यही सब बनाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, फटाफट कटिंग कर ली हूँ। और इधर हमारी गर्म पानी बॉयल हो रही है, मैं पनीर को ना हमेशा बॉयल करके ही बनाती हूँ, सॉफ्ट रहता है उससे, ठीक ना, इसलिए मैं गाइस मैं पनीर को हमेशा बॉयल कर लेती हूँ। और इधर हमारी मटर बॉयल हो रही है, देख सकते हैं थोड़ी सी नरम हो जाती है, तो बच्चे लोग को अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसे भी बॉयल कर दे रही हूँ नमक डाल के। बॉयल करूंगी दो मिनट, थोड़ी सी उसकी गंदगी भी साफ हो जाती है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाती है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, आपको भी अपनी ट्रिक, जो ऐसे जो जो आदमी जैसे बनाते होंगे। तो गाइस देखो, हमारी मटर पनीर बनके हो गई है रेडी। थोड़ी सी इसमें बॉयल आ रही है, बाकी मैं इसको ढक देती हूँ,
तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा हमारी मटर पनीर कैसी है। मैं रेसिपी नहीं डालूँ, रोज़ रोज़ क्या रेसिपी डालूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे जो मैं कैसे बनाई हूँ रेसिपी देने, तो फिर मैं रेसिपी डालूँगी। हाँ जी, क्या बना रही हो? आज मानवी का फेवरेट बना रहे चकली पिट्ठा। वो क्या होता? अच्छा, चकली पिट्ठा। में चकली पिट्ठा बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? डोसा। हाँ। उसी का वेटर तैयार कर रहे हैं, देखिए। अच्छा, टेस्ट करके रख दिए हैं। सुबह में इसको बनाएंगे, सुबह बनाओगे? रात भर पीस पेस करके छोड़ देंगे। आपको अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ हाँ, हमको भी अच्छा। बढ़िया। आज हमारे पति देव की वीडियो शूट कर रहे हैं गाइस। वाह, क्या बात है। आप क्यों नहीं आते वीडियो में? और खाना में क्या बनाया अभी खाने के लिए? अभी बनाए हैं मटर पनीर की सब्जी, खीर और पूरी के आटा गूंद के रखी, वो बनाऊंगी। आज नॉनवेज नहीं खाया ना, संक्रांति था। हाँ, सोचे कुछ तो होना चाहिए क्या? हाँ, कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए। ठीक है, तो आप खुश हो जाइए इसी बहाने पे। चलिए अब मिक्सी चलाते, ठीक है? हमारी गर्मा गर्म पूड़ी बन के तल के निकल गई है, तो चलिए आप लोग भी आइए खाने फटाफट। मैं जल्दी से बना लेती हूँ। इधर देखिए हमारी खीर भी कितना प्यारा बन के हो गई है रेडी। ऐसा हमारे जैसे बच्चा किसके है, किसके है? पैड फाड़ते हैं, सो फाड़ते हैं, बैठ के फराक भी फाड़ते हैं। देख लीजिए और दिखा रहे हैं हम। देखिए जान की फाड़ देती है, ऐसे बैठ के खींचती है, आपको नहीं पता है। मानवी ये फटा हुआ नहीं है, ये खोच लगा के चीरा हुआ है कोई चीज से, फट नहीं गया, फड़ोक नया है, फट गया तेरा। देख लीजिए ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे घर में नमूने। ये बच्चा छुट्टी में 15 दिन रहेगी ना, तो मेरा दिमाग तो पूरब से पश्चिम ही पहुंचेगा। तो गाइस अभी मैं बेड पे आ गई हूँ, बिछावन वगैरह लगा के। आज बहुत गुस्सा चढ़ गया, मैं तो कुछ वीडियो भी नहीं शूट कर पाया। उसके बाद मानवी का हरकत से देख रहे गाइस, जब कोई बोलता है ना जब आपकी बच्ची शांत है, बदमाशी नहीं करते, तो मेरा दिमाग उसके ऊपर मन करता है उसका मुंह ये कर दे, खोल जाता है एकदम से मन। गाइस इतनी बच्ची बड़ी मानवी है, इतनी परेशान करती है। आज उसने कितना हरकत किया, एक दो एग्जाम देने वाला पैड तोड़ दी, दूसरा फ्रॉक फाड़ दी है, तीसरा अभी मोबाइल एक ऊपर एक्स्ट्रा में रखा था उसको पटके फोड़ दी है। क्या करे, इतना हम उस बच्ची से अब पता नहीं, वेडनेस से थर्सडे से उसका स्कूल बंद हो रहा है, कैसे हम उसको 15 दिन झेलेंगे, हमको तो समझ भी नहीं आता। कुछ ज्यादा ही दिन पर दिन बदमाश होते जा रही है। और फिर आप लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चे सही है, ऐसे है वैसे है, बहुत लोग बहुत रंग का बोलते हैं। क्या करूँ, हर चीज दिखाते रहूँ आप लोग को? हाँ हाँ, मेरे पास हर चीज दिखाऊंगा आप लोग को, तभी आप लोग को पता चलेगा ना कितना परेशान रहती हूँ, मैं ही जानती हूँ। अभी पिटाई है, मेरे से भी मार खाई है आज, पापा भी उसको थोड़ा लगा दिए गुस्सा के। जितना मैं मारती हूँ तो वो मना करते हैं उसको, बेटा ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, समझाते रहे, फिर भी वही हरकत कर रही है। चले गए, मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया, बच्चे लोग के बोले के परेशान हो जाते हैं, कैसे संभालेंगे समझ नहीं आता। तो चलिए आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। फिर कल हम नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग से मिलते हैं। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, आई लव यू, टेक केयर।